हाय दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हमारे रोहतास की धरती के चैनल में आज का वीडियो है कि दीपावली के शुभ अवसर पर बिल्कुल लाल मिट्टी, जो मिट्टी के घर होते हैं, वो हम लोग मिट्टी से ही उसको लिपते हैं। तो लाल मिट्टी लेने के लिए हम लोग को ये देखिए समय अभी लगभग 9 बज रहे हैं। 9 बजे एक नौहट्टा से डेहरी सासाराम के लिए बस जाती है, वो आपको बस दिखता होगा रास्ते में। ये देखिए, आपको दिखा रहे हैं। और हम लोग मिट्टी लेने केसिस सत्याड़ से, ग्राम सत्याड़ से केसिस ग्राम के पास पहाड़ी इलाका में मिट्टी लेने आए हैं। वो मिट्टी बहुत ही लाल होती है और इसका चढ़ाई देख सकते हैं आप, बिल्कुल पहाड़ी के ही रास्ते से कितना डेंजरस रास्ते होते हुए हम लोग ऊपर फिर चढ़ रहे हैं। ये देखिए, आगे कुछ लोग पहुंच गए हैं, पहले आपको दिखता होगा, थोड़ा मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, कुछ लोग आगे बढ़ चुके हैं। मैं पीछे से वीडियो बना रहा हूँ, तो ये देखिए पहाड़ी पर चढ़ते हुए, ये देखिए किस तरह का ये रास्ता है। मैंने ड्यूल कैमरा का इस्तेमाल किया है ताकि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ आपको दिखा सकूँ। और ये रास्ते से जाते हुए बहुत ही पेड़ पौधे होते हुए ऊपर खबर रास्ता है। ये बरसात में नदी है, ये नदी आती है बरसात में, ये नदी बहुत तेज धारा में बहती है, लेकिन फिलहाल अभी पानी नहीं है। और इसी तरह ये रास्ते चढ़ते हुए उस जगह पे मैं आपको ले चलता हूँ जहाँ से हम वो मिट्टी, बिल्कुल लाल मिट्टी खन के अपने घर ले जाएंगे। और इससे आप ये देख सकते हैं कैमूर पहाड़ है। ये देखिए, अब हम लोग को मिट्टी खनते खनते 2 से 3 घंटे हो गए, तो सभी को प्यास लग गया। तो ये ग्राम केसी से एक बाल्टी पानी मंगा है, इनका नाम है संतोष, ग्राम केसिस। और देखिए अब ये लोग मिट्टी कहाँ से और कितना कितना डेंजरस जगह से हम लोग निकाल रहे हैं। ये देखिए, ये जो मिट्टी निकल रहा है अंदर से पत्थर के साथ निकलता है, तो इसको चावल जैसे चुनते हैं उस तरह चुन चुन के ये सारा पत्थर उसमें से निकाला जा रहा है। और ये देखिए कितना डेंजरस, अंदर गुफा टाइप का है, उसके अंदर से मिट्टी निकाला जा रहा है। अब ये बिल्कुल हम लोग पहाड़ के नजदीक आ चुके हैं। बहुत लंबा चौड़ा घना ये जंगल है और पहाड़ है। इसको मिट्टी को लेने छोटे छोटे बच्चे भी आए हुए हैं, 1-2 साथ में अपने मम्मी पापा के साथ। अब थोड़े देर में 2 से 3 घंटे हो गए हैं, अब हम लोग थोड़ा पानी पियेंगे।